इंदौर शहर में आए दिन लूटपाट और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश इंदौर में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इसके पहले पुलिस ने उन्हें थर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों से 11 मोबाइल फोन और 5 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। दरअसल पलासिया थाना पुलिस क्षेत्र में हो रही लगातार मोबाइल लूट और वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर आरोपियों की तलाश में जुटी थी पुलिस। तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ हथियारबंद बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जानकारी के बाद पुलिस ने सुनसान इलाके में खड़े हथियारबंद बदमाशों को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि पास में ही बने एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों से 11 मोबाइल और 5 दोपहिया वाहन बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है गुंडा बदमाशों को धरपकड़ के लिए। इसी तारतम्य में थाना पलासिया पुलिस को सूचना मिली थी कि टेलीफोन नगर के पास में कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं, जो तत्काल एक टीम रवाना की गई और टीम के द्वारा जब घेराबंदी करके पकड़ा गया तो 5 आरोपी उसमें डकैती की योजना करते हुए पकड़ा है। उन 5 आरोपियों से पूछताछ करने पर 5 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इसके अलावा इन लोगों ने पूछताछ पर ये भी बताया है कि ये लोग जो है नशा के लिए मोबाइल भी लूटपाट करते हैं और इनके पास से महंगे महंगे मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है और दर्जनों इनके द्वारा जो वाहन चोरी और मोबाइल लूट के वारदात का खुलासा हो चुका है। सर, इसमें ये आरोपियों ने और भी कोई हाँ, अभी तक तो आया है कि राजनगर की 2 बाइक बरामद की गई है और भी 3 बाइक बरामद की गई जिसमें थोड़ा सा घिसा हुआ है, तो उसके बारे में पता कर रहे हैं। और मोबाइल एप्पल कंपनी का, सैमसंग कंपनी का, इस तरह के मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इसमें से एक आरोपी है जो खजराना का रहने वाला है, सलमान खान नाम है इसका, तो इसकी कबाड़ी की दुकान है। ये अवैध रूप से ये गाड़ी जो चोरी की गाड़ी उसके कांटे का भी काम करता है। इसके अलावा एक दूसरा आरोपी है अरशद करके, ये पंडितनाथ रब का रहने वाला है और इसके पास से भी कुछ मोबाइल जब्त हुए और ये मोबाइल के पार्ट्स वगैरह, जो महंगे महंगे मोबाइल के पार्ट्स वगैरह बेचने का काम करते हैं। सर, और क्या नाम है आरोपियों के? इसके अलावा 2 आरोपी तो ये हो गए, इसके अलावा एक फैजल है, एक धर्मेंद्र है, एक राहुल है। इनकी कोई रिकॉर्ड वगैरह? इनके अभी और रिकॉर्ड वगैरह दिखवा रहे हैं और इनका मुख्य यही है कि ये घूमते फिरते रहते हैं और नशा करते हैं, नशे के लिए इस तरह की वारदात करते हैं। इंदौर से गणेश चौहान की रिपोर्ट।